मैं कोविंद बीजेपी एजेंडा को किया पूरा। पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती ने साधा पूर्व राष्ट्रपति पर निशाना। ऐसी तक पहुंची असली शिवसेना की लड़ाई। उद्धव ठाकरे ने की चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। विधान परिषद की दो खाली सीटों के लिए आज से नामांकन। 11 अगस्त को होगी वोटिंग। बाराबंकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। दो डबल डेकर बसों में टक्कर। 8 यात्रियों की मौके पर मौत, कई घायल। कैटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस ने की FIR दर्ज। यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। और अयोध्या में, यमुना में, बीहड़ में महाकालेश्वर देवकली मंदिर आज हजारों श्रद्धालुओं ने आकर भगवान शिव के शिवालय पर जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कालेश्वर मंदिर में अब हर रोज भव्य श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से सभी मुराद पूरी हो जाती है। जब पार्वती को कथा सुना के वापस आ रहे थे तब यहाँ पे इन्होंने एक विश्राम लिया था। और ये सन 1875 से यहाँ पे एक ब्राह्मण थे, यहाँ पे गाय आकर यहाँ पे ऑटोमेटिक दूध देने लगी। तो यहाँ पे शिवलिंग जब खुदाई की, यहाँ पे शिवलिंग निकली। तो यहाँ पे लोग आते हैं और सभी लोग मनोकामना पूर्ति करते हैं। मंदिर है ये स्थान भोलेनाथ का मानता है। सभी भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। कितना ऐतिहासिक ये मंदिर है, कितना वक्त पुराना? ये लगभग 1000 वर्ष पुराना स्थान है। ये देश का एक ऐसा जो मंदिर है जो स्त्री के नाम पर बना हुआ है, इसके बारे में क्या क्या कहते हैं? ये राजा जयसिंह की जो बहन देवकला है, यहाँ उन्हीं के नाम से ये स्थान है। सावन के दूसरे सोमवार को और यह स्थित देवकली मंदिर में सुबह ही भक्तों का भीड़ देखने को मिली। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हो किस तरह सजोविश कहना चाहूँगा, किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे। कुछ भक्त हमारे साथ में आइए, उनसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनको क्या मनोकामना है, किस तरीके से आप यहाँ दर्शन करने के लिए देवकली मंदिर, क्या मनोकामना लेके आए? दर्शन करने के सोमवार तक। यहाँ मंदिर की क्या आस्था है, कितने साल पुराना मंदिर है, क्या कहना चाहिए? कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव आइए, हमारे साथ में कुछ लोग और हैं और जानना चाहता हूँ कि कई के लोग दर्शन करने। आप लोग कहाँ से आए दर्शन करने, कौन सा मंदिर है ये? इस मंदिर की क्या आस्था है, कितनी आस्था है इस मंदिर, क्या मनोकामना लेके आप आए यहाँ पर? हम ऐसे दर्शन करने और कौन सा मंदिर है ये? देवकली। कितना पुराना मंदिर, कहाँ से आपने? वैसे तो महिलाएं मेरे साथ में थी, उन्होंने बताया कि बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है और भगवान जो जो भी कुछ मांगते हैं वहाँ मनोकामना पूरी हो जाती है। वही पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पुख्ता के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं। प्राइम टीवी के लिए जहाँ लगता है और भैया हरिद्वार जो है रोड से लेकर थाना स्मोली तक कांवड़ियों की सुरक्षा सेवा में पुलिस निगरानी कर रही है। इस बीच SP आलोक जायसवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर अपने शिवालयों की ओर कदम बढ़ाए रहे कांवड़िए जा रहे हैं। आवागमन में संभल तक कौतूहल बना हुआ है।
कावड़ियों का आवागमन लगा हुआ है, अभी भी आए जा रहे हैं। हालांकि रात में रफ्तार कुछ कम है उनके आने की, जगह जगह इनके शिविर लगे हुए हैं, कुछ जगह ये विश्राम भी कर रहे हैं। सुबह ये अपने गंतव्य पर पहुँच के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इनके लिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पूरे रूट को जो है सेक्टर जोन में विभाजित किया गया, जगह जगह ड्यूटियाँ लगी हुई, इसके अलावा पिकेट ड्यूटियाँ लगी है। जो कावड़ शिविर हैं उनके पास भी पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, एम्बुलेंस वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्था आप जैसा देख रहे हैं सब की गई है। प्रयागराज में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों से भक्तों की भारी भीड़ रही। संगम तट से गंगा जल भरकर भक्तों ने कई शिवालयों में जलाभिषेक किया। इसके साथ ही जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मनकामनेश्वर धाम में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ रही। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया था। नगरी संगम नगरी प्रयागराज आज पूरी तरह से शिवमय दिख रही है। अगर बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों की, तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर जो शिवालय हैं उनमें शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त में संगम नगरी प्रयागराज के जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मनकामेश्वर मंदिर में हूँ और यहाँ पर जो शिव भक्तों की भीड़ है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्त विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। जुलाई को 6 कांवड़ियों की सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर आने जाने वाले रास्तों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। वहीं डिप्टी एसपी श्वेताब पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन मेले को लेकर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामघाट कल्याण मार्ग पर भ्रमण कर कांवड़िया मार्गो पर व्यवस्था देखी जा रही है। कांवड़ियों को अपनी निर्धारित पट्टी पर ही चलने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कांवड़ मार्गो पर पुलिस की पीआरवी कांवड़ियों की निगरानी कर रही है। देखिए, कल सावन का सोमवार है और परसों महाशिवरात्रि है। इसको दृष्टिगत रखते हुए रामघाट घाट से लेकर लोग जल और कांवड़ आ रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरे रूट पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह पिकेट लगाई गई है, लेपर्ड मोबाइल तैनात की गई है, पीआरवी तैनात की गई है। साथ ही जो इनकी जत्थे के रूप में जो कांवड़िया आ रहे हैं उनके साथ अलग से पुलिस फोर्स लगाई गई है, इन्हें सकुशल रोड क्रॉस कराने, रोड से गंतव्य तक पहुँचाने के लिए। इसी का निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे साथ एसीएम भी हैं, बाकी फोर्स भी है। ये देखा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, कांवड़िया सकुशल। रामपुर के राठौड़ा शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। हर जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात है। तो वहीं कांवड़ियों के लिए पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया गया। व्यवस्थाएं मिली है मुख्यमंत्री के आदेश पर और योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ये श्रावण मास एक तरह से त्यौहार है, श्रावण मास एक तरह से त्यौहार है। यहाँ जो है श्रावण मास में तरह तरह की कांवड़ चढ़ती हैं और बाबा का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। श्रद्धा है भोले के प्रति, भगवान से आस्था है। अच्छा, कोविड के बाद 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि कोविड है उसका ध्यान रखते हुए सभी लोग आपस में संयम बरते हैं और थोड़ी दूरी बनाते हुए भोले बाबा के दर्शन करें और भोले पे अपनी सब पे बनाए भोले बाबा। मुख्यमंत्री के निर्देश आए कि कांवड़ यात्रा को जो है वो बेहतर व्यवस्थाएं मिले, तो आप लोगों को मिली? मुख्यमंत्री के आदेश आए हैं कि कांवड़ियों को बेहतरीन व्यवस्था मिले। गाजीपुर में देर रात पुलिस ने होटलों और ढाबों पर अचानक छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शहर के हर होटल और ढाबे पर जांच की। आपको बता दें कि एसपी ने औचक निरीक्षण की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आईजी महोदय के निर्देश पर छापेमारी की गई। हुआ है कि होटल के रूटीन चेक करने के लिए होटल में रूटीन भी चेक किया गया, मेरा रजिस्टर भी चेक किया गया, मेरा रजिस्टर सही पाया गया और बार को भी चेक किया गया और बार में निर्देशित ये किया गया 21 साल से कम जो लड़के बच्चों को मना किया गया कि 21 साल के जो कम बच्चे हैं
उनको नहीं बैठाया जाए, कैसा से ऊपर बच्चे उनको गए। और मैं कप्तान साहब को भी आभारी करता हूँ कि इसी तरह हर महीने रूटीन चेक करें, इससे क्या है कि जो अपराध तत्व के जो आदमी हैं वो हम लोग भी बचे रहेंगे। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के श्रावण मास में कांवर यात्रा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सकाहा मंदिर का भ्रमण किया और वहां पर मौजूद महात्मों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही आम जनमानस सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सब लोग ऑन रोड रहे, ऑन वॉच रहे, जो भी कांवड़िए रास्तों में चल रहे हैं चाहे जत्थों में हों चाहे पैदल हों, ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए। जहां ग्रुप में जा रहे हों वहां साथ में कोई ना कोई बाइक के साथ जाए। इसके अलावा जो अकेले भी जा रहे हैं, सतत हमारी पीआरवी और पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे करके अपने अपने बॉर्डर से क्रॉस करा रही हैं। साथ ही आज की रात महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रावण तो ये सोमवार को रात 12 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा, मंदिरों में भीड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइट की पूरी व्यवस्था वहाँ मंदिरों में, फोर्स की पूरी व्यवस्था, इस सब का इंतजाम किया गया है और हम लोग स्वयं इस समय भ्रमण करके पूरे क्षेत्र में देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हर जगह सुरक्षा का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रशासन और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 12 करोड़ के अवैध शराब उपकरण को नष्ट कर दिया। बता दें कि बीते 2021 के अप्रैल महीने में भी पंचायत चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद हुई थी। वहीं अब कोर्ट के आदेश पर टीम का गठन करके मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सदर सीओ, सदर फूड इंस्पेक्टर, आबकारी इंस्पेक्टर की मौजूदगी में अवैध शराब के साथ 1,00,000 बोतलें, 1,30,000 ढक्कन और उपकरणों को नष्ट कर दिया गया है। देखिए, ये 2021 में पंचायत चुनाव से पहले अप्रैल में 12 करोड़ रुपए की शराब और इसमें यंत्र जिसमें कि पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री बरामद हुई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे और मुलजिम जेल में गए थे। गैंगस्टर अभियोग के अंतर्गत उनकी 14(1) के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की भी स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई थी। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज एक कमेटी के द्वारा वो जो पूरी शराब थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, जितने भी उपकरण थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें 34,800 लीटर स्पिरिट और करीब 2,200 लीटर शराब थी। इसमें 1,00,000 शराब की खाली बोटल्स थी। इसमें करीब 1,30,000 ढक्कन थे और लाखों की संख्या में रैपर्स थे और बोटलिंग मशीनें थी। और ये में बिथुना तहसील क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर नगर में एक महिला को लगभग 1 सप्ताह से बुखार आ रहा था। महिला प्राइवेट तौर पर इलाज करा रही थी। आराम न मिलने पर बाईपास रोड के पास पूर्व चिकित्सा अधिकारी से दवा लेने गई, जहाँ पर चिकित्सा अधिकारी ने महिला के शरीर पर छोटे छोटे धब्बे देखे। महिला के हाथ और पैर के तलों में तेज दर्द बताया, जिस पर पूर्व चिकित्सा अधिकारी ने महिला में संभावित मंकी पॉक्स के लक्षण मानते हुए इस बात की जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों को फोन पर दी। इसके साथ ही महिला को जिसके आधार पर जिले के द्वारा और जो है हमारी टीम के द्वारा जो है उसकी जांच जो है भेजी गई है और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा ये केस जो है मंकी पॉक्स का है या किसी और का है। सर, किस टाइप के लक्षण पाए गए? देखिए, उसके हाथ में ब्लिस्टर टाइप के थे, पैचेस पड़े हुए थे जो, और कई दिनों से उसको फीवर आ रहा था, जिसके आधार पर जो है हम लोगों ने जो है उसको सस्पेक्ट किया है कि मंकी पॉक्स का है। गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के मरुधर मंगल गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जबकि गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि गोली मारने में एक पुलिसकर्मी, एक सीआरपीएफ जवान समेत कई लोगों ने शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही एहतियातन के तौर पर गाँव में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। थाने पर से मतलब हमारे हल्के 3 नंबर सिपाही, हल्के का बाके यादव एसआई और मनोज यादव दीवान जी हैं और सूरज यादव सिपाही, ये तीनों लोग हमको, हम लोगों को धमकी दे रहे थे कि मतलब मुकदमा लिख देंगे, ये लिख देंगे, वो लिख देंगे। मना करने पर हम लोग जबरन मतलब थाने पर बुलाया जा रहा था, हम लोग नहीं गए तो बोले कि मतलब उन लोगों से जाइए जो करना हो, झगड़ा उगड़ा करके अपना करवाइए, हम लोग सब देख लेंगे। मऊधर मंगल गांव थाना खजनी में एक छज्जा निकालने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के प्रमोद यादव ने
फायर किया जिससे तीन लोगों को गोली लगी है। हालांकि तीनों खतरे से बाहर हैं लेकिन इलाज के लिए उनको वरिष्ठ हायर सेंटर पर भेजा गया है। पुलिस यहां तैनात है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर के दबिश दिलवाई जा रही है और आगे भी इनकी संपत्तियों की जाँच कराई जाएगी और नाप कराई जाएगी। जो भी गलत होगी कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ से आ रही वॉल्वो बस पीछे से ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में बस में बैठे दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 6 यात्री घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायलों को जेवर के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक टप्पल थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे स्थित अलीगढ़ कट के पास हुआ है। कोई पता ही नहीं चला कि किस चीज़ का आगे टक्कर मार के चला गया। देखिए मैं कैलाश हॉस्पिटल जेवर में डॉक्टर शिफाली आईसीयू में पोस्टेड हूँ और हमारे पास दो ट्रॉमा के पेशेंट्स आए हैं। एक है मिस्टर मनोज 30 ईयर्स, इनको आरटी का पेशेंट है, ब्रेन इंजरी है, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और छाती में भी चोट है, मशीन की सांस तक, दिमाग में भी काफ़ी गंभीर चोट है और अभी उसमें आना संभव बिल्कुल नहीं है और छाती में चोट है, छाती में हवा है, सीवियर से काफ़ी कंडीशन और ब्लड प्रेशर काफ़ी कम होते चल रहा है, जान का पूरा खतरा है। तो की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।